हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। आज हम आए हैं JPS बजाज रिंग रोड लखनऊ और देखने जा रहे हैं NS 200। देखते हैं बाइक में क्या स्पेशल है। दोस्तों, बजाज पल्सर NS 200 आपके सामने है, वाइन रेड कलर में। इसमें वाइट कलर आता है, ब्लैक कलर आता है एंड ग्रे कलर आता है। चलिए इसका वॉकराउंड शुरू करते हैं। NS 200 के फ्रंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा, बल्ब बेस मिलता है, इसमें येलो लाइट्स आती हैं। यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, येलो बल्ब बेस्ड है। फ्रंट में फेंडर आपको फाइबर मिलता है, इस पर कार्बन फाइबर का आपको इस पर टेपिंग मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्रॉड लग रहा है। फ्रंट में आपको 300 mm के डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, USD फ्रंट फोक्स मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आती है। रेयर में आपको 230 mm के डिस्क ब्रेक मिलता है, ट्यूबलेस टायर्स फ्रंट और रेयर में मिल जाते हैं। फ्रंट टायर साइज़ आप देख लीजिए, 180/17 है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। एंड रेयर में आप देख सकते हो टायर हगर दिख रहा है आपको, और टायर साइज़ आपको 130/70/17 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रेयर में आपको गैस चार्ज मोनोशॉक एग्जॉस्ट मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर फिनिश टेपिंग मिल जाती है आपको, फाइबर का ये फेंडर दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चेन ड्रिवन है ये, 6 गियर शिफ्ट के साथ ये आती है, 1 डाउन 5 अप। रेयर फुटपैक्स आपको मेटल फिनिश मिलते हैं, फ्रंट में आपको रबराइज फुटपैक्स मिल जाते हैं। मेटल फिनिश में आपको लेग ब्रेक इसमें मिल जाता है, नीचे आपको इंजन प्रोटेक्शन मिल जाता है फाइबर में। इस पर रेड एंड वाइट की आप स्टिकरिंग देख सकते हैं। 200 cc का ये इंजन है, मैक्सिमम पावर 24.5 PS की प्रोड्यूस करता है और मैक्सिमम टॉर्क 18.7 Nm का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्यूल इंजेक्टेड ऑयल कूल्ड इंजन है। इसमें फ्रंट में आप रेडिएटर भी देख सकते हैं, सिंगल हॉर्न सिस्टम के साथ आता है। रेड वाइन कलर आप अपने सामने देख रहे हो, ये वाइट स्टिकरिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ग्रे में 200 की स्टिकरिंग मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टैंक पैड यहाँ आपको फ्रंट में मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको पल्सर की बैजिंग मिल जाती है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, E20 कंप्लायंट है। ब्लैक आउट में इसका फ्यूल कैप आपको मिल जाता है। इधर आप ग्रिप्स देख लीजिए, काफ़ी डिसेंट है, डिसेंट इसका कुशन है, ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा ब्रॉड है। यहाँ पे मेटल फिनिश में आपको बार एंड्स मिल जाते हैं, फ्रंट के दोनों लीवर्स आपको ब्लैक आउट में मिल जाते हैं। डिसेंट साइज़ आपको मिरर्स का मिल जाता है। बैक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कट्स इसमें दिए हुए हैं, थोड़ा एरोडायनेमिक इसको बनाते हैं। इसमें क्लिप ऑन हैंडल्स मिल जाते हैं, की इसकी बेसिक है, बेसिक लॉक इसमें आता है, 2 कीज़ इसमें आती हैं। चलिए इसका स्पीडोमीटर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, कौन से गियर पे आपको, यहाँ पे गियर शिफ्टिंग आप देख सकते हो, टाइम आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना ओडोमीटर्स एंड ट्रिप आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे सारी वार्निंग्स आपको आ जाती है। ABS अभी लाइट कर रहा है, जब गाड़ी चलेगी तो वो क्लोज हो जाएगा। इधर एलिमिनेशन आप सारे बटन्स पे देख सकते हो। फ्रंट में पास है, लो बीम हाई बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, इंजन क्विल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट। कोई भी किक स्टार्ट इसमें नहीं आता 200 में। आप चाहे RS देखें, चाहे आप NS देखें, पीछे की टेल देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पीछे LED टेल लाइट भी आपको मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड इधर आपको लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है, लाइट्स यहाँ पे मिल जाती है येलो कलर की एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, रेड में साइड में आपको येलो में रिफ्लेक्टर मिल जाता है। रेयर आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बल्ब बेस्ड हैं। इधर आपको सारी गार्ड मिल जाता है, चेन ड्रिवन है, चेन के ऊपर आपको फाइबर का कवर दिया हुआ है। साइड स्टैंड, मेन स्टैंड आपको दोनों मिल जाता है, साइड स्टैंड रिमाइंडर इसमें मिल जाता है। एंड 6 गियर शिफ्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और रिलायबल इंजन है। आवाज़ भी ये डिसेंट निकालता है। अलॉय व्हील्स इसके ग्रे में फिनिश्ड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ट्यूबलेस इसमें टायर्स आपको मिल जाते हैं, स्प्लिट सीट इसमें मिल जाती है, देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डॉटेड पैटर्न है और स्प्लिट में इसमें ग्रैब हैंडल रेयर में मिल जाता है। मेटल फिनिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए इसकी आवाज़ एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। आवाज़ सुनिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रॉ आवाज़ है,
जितना आप एक्सीलेट करोगे उतनी अच्छी आवाज़ प्रोड्यूस होगी। फ्रंट में आप लाइट्स देख लो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो DRLs काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इंडिकेटर एक बार आपको दिखा दूँ, बल्ब भी डिसेंट ग्लो करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाता है, 1363 mm का इसका व्हील बेस आपको मिल जाता है। इसके प्राइसेस की बात कर लेते हैं तो एक्स शोरूम प्राइस इसका 1,52,000 रुपये है और ऑन रोड प्राइस लखनऊ में आपको 1,82,700 रुपये के आसपास पड़ेगी। एंड कलर ऑप्शन ऑलरेडी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, वाइट मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, ये रेड आपने सामने देख रहे हो, एंड ब्लैक जो एवर ग्रीन कलर है पल्सर में वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज की बाइक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये पल्सर NS200 इसका कलर ही आपको कैसा लगा, क्या इस बाइक में आपको पसंद आया क्या नहीं पसंद आया? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आई हैं। इसके जो कट्स एंड क्रीजेज हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सीट हाइट थोड़ी सी हाई है, अगर आप शॉर्ट हाइट हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। 807 mm की इसकी सैडल हाइट है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। स्टांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नेकेड स्पोर्ट्स के हिसाब से पावर अच्छी खासी है इसमें। नेकेड है तो और भी ज़्यादा ये रॉ हो जाती है और ज़्यादा तेज़ ये भागती है। टॉप स्पीड इसकी RS से ज़्यादा अच्छी होगी NS की, डेफिनेटली ये आप सब जानते हो। बाकी इस बाइक में कोई भी कमी नहीं है। अगर एवरेज की बात करें तो वही आपको 30 के आसपास का एवरेज आपको मिल जाएगा रियल वर्ल्ड में। बाकी कंपनी तो 50 के आसपास का क्लेम करती है, 45 के आसपास, तो उसकी तो बात मत करिए आप। और बाकी सीट्स में काफ़ी अच्छे कट्स आपको मिल जाते हैं एंड इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी आप बताइए, मेरा तो फेवरेट वाइट एंड ब्लैक है, आप सब जानते हो, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर जाती है उसके साथ, वाइट के साथ ब्लैक का कलर। एंड बाकी आप बताओ आप क्या सोचते हो, अगर इतना आपका बजट होगा तो क्या आप इसको लोगे? 1,82,000 रुपये के आसपास ये आपको लखनऊ में पड़ जाती है ऑन रोड, तो या इसके अलावा कौन सी बाइक आप कंसिडर करते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट किया करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ऑटो पैशन इंडिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। और आज के वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं JPS बजाज को, जिनका शोरूम रिंग रोड लखनऊ पे है। डेफिनेटली यहाँ आइए, चेकआउट करिए, गाड़ी पे बैठ के देखिए, चला के देखिए आपको कौन सी सूट करती है, तभी डिसीजन आप लीजिएगा। एंड जो मेरे न्यू ईयर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियो, ताकि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी अच्छी बाइक्स और गाड़ियाँ लेकर आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।